गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे गाइस। वैसे तो आप लोगों ने सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूं। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं अच्छे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो कि बेस्ट हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। सो बेसिकली यहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है एफिलिएट मार्केटिंग में वो होता है ट्रैफिक को लेकर आना। और ट्रैफिक जब तक नहीं आएगा तब तक जो है हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो गाइस यहां पर जो है आज के इस वीडियो के अंदर छह तरीके बताने वाला हूं जिससे मेरे ब्लॉग्स पे, मेरी वेबसाइट से जो है डेफिनेटली काफी सारी इनकम होती है एफिलिएट मार्केटिंग की, और आप लोग भी जो है इसी तरह से ट्रैफिक अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, दैट इज मंजीत, राइट। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के जो तरीके, जो ट्रैफिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगी हम कितना भी कोशिश कर लें हमें एफिलिएट मार्केटिंग से डेफिनेटली कोई भी इनकम नहीं होने वाली है। तो पहला जो तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो है हमारा यहाँ पे वेबसाइट या फिर ब्लॉग। वेबसाइट या फिर ब्लॉग के ऊपर जो है हम कंटेंट लिख के जो है काफी अच्छा कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट के बेसिस के ऊपर हम जो है वहां पे एफिलिएट लिंक डाल देते हैं और जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉफिट होता है, अर्निंग होती है, कमीशन मिलता है। दूसरा जो तरीका है गाइस वो है यहाँ पे आज की डेट में यूट्यूब सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है और आने वाले समय में आई थिंक जो है यूट्यूब के ऊपर में या फिर कम मेहनत करके जो है हम अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब जो है यहां से एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, क्योंकि यहां पर आपकी डबल इनकम होती है। तो आप यहां से यूट्यूब के एडसेंस से भी पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उसी का प्रोडक्ट का उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है एफिलिएट लिंक डालकर वहां से भी जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि यहां पर भी अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूं जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं उनके ऊपर भी जो है यहां पे एफिलिएट लिंक जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स के आपने देखे होंगे। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है वीडियोस बनाकर और लिंक डालकर जो है काफी अच्छा खासा जो है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और जिसमें जो है मैंने करीब 2 साल पहले एक वीडियोस बनाई थी मेरे दूसरे चैनल के ऊपर जिसमें एक मैंने मेरे बच्चों के लिए जो है एक बाइक करा था, स्विंग पूल जो कि बच्चों के किड्स के लिए है, लेकिन वो वीडियो में इतने सारे व्यूज आए और उसका क्योंकि एफिलिएट लिंक मैंने दे के रखा था और उस लिंक से आज 2 साल बाद भी जो है काफी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है। तो ये भी एक अच्छा खासा जो है जरिया है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का जिससे हम काफी अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे तरीका है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, हम सभी के पास आज की डेट में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हर किसी के ऊपर हमारा अकाउंट होता है और हमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें हम एफिलिएट कर रहे हैं बस उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा बोल के और उसके लिंक जो है वहां पे डाल देने हैं। और अगर आप उसमें ऐसा करते हैं सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली वहां से भी हम जो है काफी अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका भी जो है अगर आप रेगुलर उसके ऊपर बने रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस जो है वहां पे इंक्रीज होती चली जाती है। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट कोई भी डालते हैं तो तुरंत ही वहां पे जो है कुछ ना कुछ परचेसिंग होने लग जाती, बट यहां पे जो है हर चीज के लिए आपको एक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, आपको किसी एक ही निश के साथ में रहना पड़ेगा तभी ये सब जो है पॉसिबल हो सकता है थ्रू दी सोशल मीडिया। चौथा जो तरीका है वो है ईमेल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग करते हैं ईमेल मार्केटिंग पे बिलीव और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। गाइस यहां पे मैं बताऊं ईमेल मार्केटिंग जो मैं तरीका करता हूं, मेरे पास ये तरीका है कि जो भी मेरी ईमेल लिस्ट है तो उस पे मैं ईमेल्स करता हूं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और वहां पर जो है उनके लिए मैं बहुत ही मोटिवेशनल, कभी जो उनका एक इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वहां पे कंटेंट डाल के उनको जो है उनके इनबॉक्स तक लैंड कराता हूं और उसी के बीच में जो है मैं एफिलिएट लिंक डाल देता हूं और उससे भी काफी अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट हो जाती है, क्योंकि वहां से भी काफी सारे लोग जो है वो आर्टिकल्स, लोगों को आदत होती है चीजों को रीड करने की। जब आप अच्छा मोटिवेशनल काइंड आप जो है कंटेंट अगर डालते हो तो ऐसे में लोगों को जो है काफी इंटरेस्ट आता है। जब भी आपका ईमेल अगर एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डालते हो, राइट, तो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर आप ईमेल शूट करते हो डेली बेसिस पे तो वहां पर भी आपकी एक ऑडियंस आपके लिए वेट करती है कि कब आपका ईमेल आएगा और कब वो आपका एक अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और वहां पे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके जो है वो कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है, एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जैसे जैसे आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कन्वर्जन रेशियो जो है वो यहां
यहां पे इंक्रीज होता चला जाता है। सो गाइस पांचवा तरीका है वो है एड रनिंग का, यानी कि पेड प्रमोशन। लेकिन पेड प्रमोशन बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जिस प्रोडक्ट के, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप एड या कुछ कैंपेन रन करने जा रहे हो, क्या वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज जैसे कि अमेज़न वगैरह, ये आप खुद के प्रोडक्ट्स को जो है अगर आप उनके लिए एफिलिएट कर रहे हैं तो ये नहीं आपको रिकमेंड करते कि आप जो है उनके पेड प्रमोशन करके वहां से इनकम जनरेट करो। और हालांकि बेनिफिट वहीं पे होना है, लेकिन स्टिल हर कंपनी की अपनी अपनी एक गाइडलाइन है, तो उनकी गाइडलाइन को जो है आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो चाहती है कि नहीं आप जो है अपने एड का खर्चा करें, और खर्चा करके जितने भी वहां से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका कमीशन आपको दिया जा सकता है, तो ऐसे के लिए आप जो है फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप जो है एड रन कर सकते हैं, गूगल कैंपेन चला सकते हैं और वहां से जो है पैसा कमा सकते हैं। बट यहां पे रिकमेंड मैं आप लोगों को ये करूंगा कि अगर आप लोग बिगनर हैं तो प्लीज आप जो है ये चीज ना ट्राई करें, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको रिस्क कैलकुलेशन जो है वो करना आना चाहिए। जब तक आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आएंगे कि आप कितना पैसा लगाएंगे और कितना उससे आउटपुट मिलेगा, अगर ये चीज आपके लिए जो है अभी तक नहीं मालूम है आपको ये कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहां पे एक रिकमेंडेशन करूंगा कि पहले आप कुछ समय तक जो मैंने पहले टूल बताया उनका इस्तेमाल करें, और उनका इस्तेमाल करके जो है आप आसानी से अपने आप को आगे बढ़ाएं। जब एक अच्छी खासी इनकम आपके पास जनरेट होनी स्टार्ट हो जाए उसके बाद जो है आप यहां पे एड कैंपेन्स जो है वो भी बिल्कुल आपके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही जो है आप रन करके वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस सिक्स्थ जो है ये बेसिकली आपका एक कह सकते हो रेफरल प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटर हैं जो रेफरल के जरिए जो है उनको पता है कि उनका महीने का कितना पैसा वो जनरेट करते हैं, तो बेसिकली यहां पे वो एड रन नहीं करते हैं, यहां पर वो क्या करते हैं अपने रेफरल्स बनाते हैं और रेफरल्स के जरिए जो है उनके जो एफिलिएट लिंक है उनको वहां पे पब्लिश करवाते हैं, उनसे कॉन्टेंट लिखवाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि उनको कॉन्टेंट लिख के आपके एफिलिएट लिंक जो है उसमें डलवाते हैं, सो दैट कि वो एक यूनिक भी लगे और साथ ही साथ जो है जो भी रेफरल कर रहा है, जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, वो सबको जो है आपको पे करना होता है। तो ऐसे में भी जो है एक रेफरल करके भी बहुत सारी इनकम जनरेट की जा सकती है। बट अगेन क्योंकि यहां पे जो है पांचवा और जो सिक्स्थ ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों के लिए ट्राई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके जेब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये नहीं पता है कि उन लिंक्स के जिनको आप रेफरल करवा रहे हो, जिनको आप प्रमोट करवा रहे हो, क्या उनके जरिए आपके पास कोई इनकम जनरेट होने वाली है या नहीं होने वाली है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ये नहीं आए तो ये पांचवा और जो सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है इसको आप ट्राई ना करें। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताए 6 ऐसे पॉइंट्स जिसके जरिए मैं अपने एफिलिएट के से पैसा कमाता हूं, और मेरा बेटे ने भी जो है एफिलिएट के जरिए पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, जिसका मैंने वीडियो और जो है यहां पे प्रूफ दिया था कि वो भी यहां पे इनकम जनरेट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। सो यहां पे जो है मैंने पहला जो आपको बताया वो यहां पे बताया वेबसाइट या फिर ब्लॉग के जरिए आपका पैसा कमा सकते हैं। सेकंड यहां पे मैंने बताया यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। थर्ड जो है वो आपका यहां पे सोशल मीडिया है, और फोर्थ जो है यहां पे ईमेल मार्केटिंग, और फिफ्थ जो है वो आपका एड रन के जरिए यानी कि एड कैंपेन्स के जरिए जो आप पैसा कमा सकते हैं, और जो सिक्स्थ है वो है आपका रेफरल, और रेफरल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हर एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जिस तरह से मैं पैसा कमा पा रहा हूं डेफिनेटली आप भी उसी तरह से पैसा कमा सकें। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।